महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से कथित तौर पर मिले पैसों को लेकर भाजपा ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टेबाजी का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने स्वीकार किया है कि उसे आदेश दिया गया था कि कांग्रेस के चुनाव खर्च के लिए पैसे दिए जाएं। मंत्री ने कांग्रेस से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में उनके नेता को असीम दास से पैसा मिला। स्मृति ईरानी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने कल दावा किया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने श्री बघेल को 5 से 8 करोड़ रुपए दिए हैं। ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। इस बीच कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के आरोप को खारिज किया है। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका काम ही है लोगों को डराना, लोगों को फंसाना, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनसे डरने वाला कोई नेता नहीं है। जो वो कर रहे हैं उसका भुगतान उन्हें मिलेगा। और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है। और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। गौरतलब है कि महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है।